हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबलेटिक्स। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कल कि आज हम देखने वाले हैं आईएस कोड के प्रोविजंस, जो कि पिछले बहुत प्रीवियस ईयर से मैंने एनालिसिस करके कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस निकाले। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में रिपीट हो गए क्वेश्चंस इस पे, तो यही करेंगे। क्या पता इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, जो भी जल्दी कंडक्ट होने वाली है अभी एग्ज़ाम्स, तो दिसंबर तक तो होगी ऐसी उम्मीद है, नहीं तो जनवरी में जा सकती है। लेकिन अपना काम है फ्रेंड्स, प्रिपेयर रहना, तैयार रहना। एग्ज़ाम कभी भी आए, डेट कभी भी डिक्लेयर हो जाए, आप रेडी हो क्या वो पहले सोचो फ्रेंड्स। उसके बारे में पहले सोचो कि आप जब रेडी हो गए ना, तब आपको डेट का डर नहीं होगा। डेट कल भी आ जाए तो भी आप रेडी हो रहोगे। तो ट्राई करो कि जल्द से जल्द आपके जो सिविल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट है वो अच्छे से आपके दिमाग में रहे, ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहे। यही एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी या इम्पोर्टेंट टेक्निक बोल सकता हूँ एग्ज़ाम क्रैक करने की, कि जितना हो सके उतना रोज़ थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद करो, याद करने की कोशिश करो कि रोज़ थोड़े कंसेप्ट। आज प्री स्ट्रेस का लिया, आज सॉन्ग का लिया, तो दो सब्जेक्ट आज हो गए, फिर कल दो थ्योरी सब्जेक्ट या एक थ्योरी, एक स्ट्रक्चर्स, एक न्यूमेरिकल वाला, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ फ्रेंड्स और याद करने की कोशिश करो रोज़ रोज़ फॉर्मूलेस, कंसेप्ट, थियोरीज, फैक्ट्स। यही सब आपको एक लेवल तक पहुँचाने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन्स फॉर आईएस कोड। पहला प्रोविजन है कि श्रिंकेज स्ट्रेन बहुत एग्ज़ाम्स में पूछी गई है। आरसीसी में एक क्वेश्चन पूछते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी इसका थोड़ा सा पार्ट है और प्री स्ट्रेस कंक्रीट में भी इसका पार्ट है। तो मैंने ये उठा लिया कि श्रिंकेज स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट कितनी होती है। स्ट्रेन का मीनिंग है फ्रेंड्स, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशंस बोलूँगा ओवर द ओरिजिनल डायमेंशन। ये तो मैंने सॉम के लेक्चर में बताया था, अगर आपको उसकी कंसेप्ट जाननी है तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं। श्रिंकेज स्ट्रेन इन द कंक्रीट कितनी होती है। श्रिंकेज स्ट्रेन होती है 3×10⁻⁴, और इसकी यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, क्योंकि स्ट्रेन की यूनिट है नो यूनिट, क्योंकि उसकी यूनिट ही नहीं होती, यूनिट लेस है। तो श्रिंकेज स्ट्रेन कौन सी भी स्ट्रेन पूछे उसकी यूनिट नहीं है फ्रेंड्स। तो 3×10⁻⁴, या उसको लिख सकते हैं आप 0.0003, तो ये होती है श्रिंकेज स्ट्रेन। बहुत एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये अभी दो प्रकार से आप डिनोट कर सकते हैं, एक है शॉर्ट टर्म और दूसरा है लॉन्ग टर्म। यह आरसीसी का कंसेप्ट है, लेकिन जब तक आपको आरसीसी अच्छे से नहीं आएगा तब तक प्री स्ट्रेस कुछ समझेगा नहीं। और मैं ये जो समझा रहा हूँ आपको पॉइंट्स, ये फैक्चुअल डाटा है फ्रेंड्स, ये सिर्फ याद करने पड़ेंगे आपको दोस्तों, ये ऐसे ही याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसकी कोई कंसेप्ट नहीं है। ये एम्पेरिकल फॉर्मूले जैसे होते हैं वैसे ही एम्पेरिकल पॉइंट्स है, प्रोविजंस है जो आईएस कोड ने दिए, उसमें से भी मैंने इम्पोर्टेंट चूज़ किए। तो क्यों किए ये आपको बाद में समझेगा, अगले वीडियो में इसके ऊपर सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए अभी इसके जो पॉइंट्स है आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म इलास्टिक सिटी का जो फॉर्मूला है 5000√FCK, ये एज पर IS 456/2000 के हिसाब से है। जब 1978 का जो आईएस कोड था पुराना, 1978 का IS 456, उसमें दिया था 5700√FCK। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ये 5700 है कि 5000 लेना है, कौन सा लेना है। तो राइट आंसर है अभी के हिसाब से 5000, आपको जो कोड बताया है क्वेश्चन में उसके हिसाब से आंसर देना, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म क्या है फिर, लॉन्ग टर्म में आता है थीटा, इसका मीनिंग है क्रीप कोएफिशिएंट। क्रीप क्या होता है, क्रीप मतलब जब भी एक स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका जो डेड लोड होता है उसके कारण उसका एक प्रोलॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक डिफॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, एक पीरियड तक उसका एक डिफॉर्मेशन होता है।
और ये टाइम के हिसाब से थोड़ा 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 सस्टेन, मतलब ये डेड लोड के कारण होता है, डेड लोड के कारण जो स्ट्रक्चर में टाइम के हिसाब से, टाइम के साथ साथ जो डिफॉर्मेशन आता है उसे हम कहते हैं क्रीप। तो इसका जो कोएफिशिएंट है, क्रीप कोएफिशिएंट, ये क्यों बोला है, इसे लॉन्ग टर्म कोएफिशिएंट या क्रीप कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो इसके वैल्यूज है, ईयर्स के हिसाब से इसे डिनोट करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि ईयर्स जैसे जैसे बढ़ते हैं आपके, वैसे वैसे ये थीटा की वैल्यू जो है वो कम होती रहती है, क्योंकि ये 7 डेज, 7 डेज में इसकी वैल्यू होती है ये 2.2, 30 डेज, मतलब 30 डेज में इसकी वैल्यू होती है 1.6, एंड 1 ईयर के बाद, 1 ईयर के बाद इसकी वैल्यू होती है 1.1। तो जैसे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जैसे जैसे डेज बढ़ रहे हैं, मंथ्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एज ये डिक्रीज होता है, क्योंकि इसे मैं बोलूँगा 1 वीक, 1 मंथ एंड 1 ईयर। ये ऐसा लग सकता है कि एक हफ्ता, एक महीना और एक साल, यही 3 वैल्यूज आपको याद रखने हैं। और फिर इसका फॉर्मूला हम डिनोट करेंगे ई सी इज इक्वल टू 5000 रूट एफ सी के ओवर 1 प्लस थीटा। ये फॉर्मूला मैंने ऊपर दिया नहीं है क्योंकि मैं आरसीसी में आपको ये पार्ट बाद में फिर से पढ़ाने वाला हूँ। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए कि 5000 रूट एफ सी के ओवर 1 प्लस थीटा, ये होता है लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडल्स। क्यों लॉन्ग टर्म बोला है, क्योंकि इसमें क्रीप कोएफिशिएंट आ गया, और क्रीप क्या रहता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफॉर्मेशन, सस्टेंड डिफॉर्मेशन अंडर द डेड लोड्स। तो इसके वजह से उसे बोला है लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन और लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडल्स। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंसाइल स्टील, इसके ऊपर भी मैंने कल क्वेश्चन डाला था सिविल एडिक के ग्रुप में कि मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी रहती है टेंशन रेनफोर्समेंट में, वो तो सभी को पता है, कॉम्प्रेशन हो या टेंशन हो दोनों में 4% है। लेकिन अगर मिनिमम फॉर कॉम्प्रेशन ये होती है 0। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट में मिनिमम स्ट्रेन कितनी होती है, कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट में मिनिमम रीएनफोर्समेंट कितने परसेंट होता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ कॉम्प्रेशन रीएनफोर्समेंट हम लेते हैं 0%। तो यही क्वेश्चन था कल का, क्योंकि हम डालते नहीं है कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट, लेकिन टेंशन में जो मैक्सिमम टेंशन का रेनफोर्समेंट है वो होता है 4%, और मिनिमम का उसका फॉर्मूला है 0.85 by Fy = Ast by Bd। तो ये एक फॉर्मूला है, ये बोलते हैं मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। तो ये सब बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं आरसीसी के, आरसीसी में वो पढ़ने वाले हम। तो सिर्फ इसके हिसाब से, ये पॉइंट के हिसाब से आप अभी नोट डाउन करिए कि मैक्सिमम स्ट्रेन होती है 4%, मिनिमम कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट होता है 0, मैक्सिमम टेंशन और कॉम्प्रेशन दोनों होता है 4%। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला। शेयर रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हर बार पूछते हैं वो, एक दो एग्जाम्स में पूछा गया, 0.67 BD अंडर रूट FT² + 0.8 FC × FT। तो ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इसका आप मैंने इसका अगर आपको डेटा चाहिए तो IS 1343 जो प्री स्ट्रेस के लिए IS कोड है वो आप रेफर कर सकते हैं और उससे डिटेल्स जान सकते हैं। लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ मैंने अभी इस पे फॉर्मूला लिया है, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे इसके डिटेल्स में वही बताऊंगा। नेक्स्ट पूछते हैं हाई ग्रेड कंक्रीट क्यों यूज़ करते हैं प्री टेंशनिंग या प्री स्ट्रेसिंग में। हाई ग्रेड कंक्रीट हम यूज़ करते हैं, हाई ग्रेड स्टील भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको बहुत सारे जो लॉसेस है उनको न्यूट्रलाइज करना है, उनको कम करना है। जो भी प्री स्ट्रेसिंग करते समय लॉसेस क्रिएट होते हैं वो सभी लॉसेस को नलीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंकरेज जो स्ट्रेसेस आएगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस आएगी, तो उसमें सभी स्ट्रेसेस को कम करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं हाई ग्रेड स्टील और हाई ग्रेड कॉन्क्रीट। तो प्री टेंशन में इसकी वैल्यू होती है M40, पोस्ट में इसकी वैल्यू होती है M30। तो याद कैसे रखे, मेरा सिर्फ एक ही फोकस रहता है हर बार कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी चाहिए चीज़ें प्री, और एक है पोस्ट। प्री के वर्ड्स कितने फ्रेंड्स, 1, 2,
थ्री, पोस्ट के वर्ड्स कितने, वन टू थ्री एंड फोर। सो जैसे आप देख रहे हैं चार लेटर्स है या तीन लेटर्स है, तो इसमें हम उल्टा लेंगे, तो इसमें हम लेंगे चार 40 और इसमें हम लेंगे उल्टा 30, तो चार को तीन करो, तीन को चार करो, तो प्री में होगा M40 और पोस्ट में होगा M30। सो सिंपल है फ्रेंड्स, पोस्ट है, पोस्ट को उल्टा करो, प्री लो मतलब थ्री, इसको लो थ्री और इसको लो चार, तो ये आपको इजी जाएगा, ऐसा ध्यान में रखो। तो प्री में तीन वर्ड्स है तो वो होगा 40 और पोस्ट में चार लेटर्स है तो वो होगा 30 M30। हाई ग्रेड स्टील भी हम यूज़ करते हैं जैसे मैंने बोला, वो कितना होता है, उसकी रेंज होती है 1200 से 2000 MPa। इतना हाई ग्रेड क्यों, क्योंकि हम तो RCC में 415 के बाद शायद ही कोई इसके बाद हाई ग्रेड स्टील यूज़ करते, मैक्सिमम हम यूज़ करते 500, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन है स्टील यूज़ करने में, उसके बाद के हाई ग्रेड। तो प्री स्ट्रेस में ये परमिट क्यों किया है 1200 टू 2000, इसके बारे में सोचो थोड़ा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉसेस रहते हैं, जैसे फ्रिक्शन, एंकरेज, लॉसेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, ऐसे बहुत सारे लॉसेस रहते हैं, और जब भी स्ट्रेसेस नलीफाई करने होते, कंपेंसेट करने होते, तो बहुत सारे स्ट्रेस, ये जो एक्चुअल में स्ट्रेस है उसका कंपेंसेट करने के लिए हमें डालना पड़ता है हाई ग्रेड स्टील, जैसे मैंने अभी बोला था। नेक्स्ट है अल्टीमेट लोड फॉर ब्रिज और गर्डस, ये कितना होता है, ये होता है 2 times डेड लोड प्लस लाइव लोड। लाइव लोड और डेड लोड को ऐड करेंगे पहले, उसके बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स, फैक्टर उसमें है 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोलैप्स के लिए। अल्टीमेट लोड जो है ब्रिज का वो लेते हैं 2 times डेड लोड और लाइव लोड। नेक्स्ट प्रोविजन है एट द टाइम ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग, इनिशियल प्री स्ट्रेस करते समय कितना परसेंट होता है, जो अल्टीमेट स्ट्रेस के हिसाब से मतलब उसके टर्म्स में अगर निकालना है तो स्टील का परसेंटेज पूछता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस का, वो होता है लेस देन 80% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब एट द टाइम ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है वो हम कंसिडर करते हैं लेस देन 80% ऑफ अल्टीमेट, 80% ऑफ अल्टीमेट। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि लॉसेस का खेल है सब, इसमें सब लॉसेस का खेल है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस जो आपको पहले ही आने वाले हैं तो हम पहले से ही उसे इतनी स्ट्रेंथ देते हैं ज़्यादा कि वो इजीली उसको मार सके, उसको कंपेंसेट कर सके। तो एट द टाइम ऑफ इनिशियल प्री टेंशनिंग हम क्या करते हैं 80% लेते हैं अल्टीमेट का। मैक्स मिनिमम स्पेसिंग पूछते हैं फिर बाद में, एक प्रोविजन है मिनिमम स्पेसिंग का, कितना होता है प्री स्ट्रेस में मिनिमम स्पेसिंग। मिनिमम स्पेसिंग जो है केबल्स का वो हम लेते हैं एक तो 40 mm कवर भी बोल सकती है और 5 mm प्लस MSA। MSA क्या होता है, MSA ये होता है जो आप एग्रीगेट यूज़ करने वाले हैं कॉन्क्रीट में उसका मैक्सिमम साइज क्या है, मतलब आप 20 mm के एग्रीगेट यूज़ करेंगे या 22 के या 24 के या 30 mm के, जो भी साइज़ है उसमें से मैक्सिमम कौन सा है, अगर 30 है तो 30, तो मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट प्लस 5। सपोज आप 20 mm जो नॉमिनल साइज स्टैंडर्ड रहता है एग्रीगेट का, 20 अगर लेंगे आप तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, 20 plus 5, इसका आंसर आएगा 25 mm, या वो क्या बोल रहे हैं 40 mm, 40 या ये 25, इसमें से जो मैक्सिमम है वो, तो इसमें क्या आ गया अपना 40 mm मैक्सिमम आ गया, या आप ले सकते दूसरा 20 plus 5, अगर आपका एग्रीगेट 40 mm है तो ही ये ऑप्शन आएगा MSA प्लस 5 वाला। इसलिए ये ध्यान में रखिए, छोटे छोटे क्लॉजेस है लेकिन ये बड़ा बड़ा खेल कर सकते एग्जाम्स में, तो आपको हर चीज़ एकदम डिटेल में डेप्थ तक पूरे उसके बोलते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट तक पता होनी चाहिए, जो लास्ट पॉइंट है उधर तक आप जाने की कोशिश करो फ्रेंड, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, क्योंकि समझना भी तो चाहिए क्या पढ़ रहे हो। मिनिमम कवर देखिए, मिनिमम कवर इधर भी वैसा ही खेल है, प्री में कितना लिया है 20, पोस्ट में कितना लिया है 30, तो जो मैंने अभी लेटर की ट्रिक बोली थी 1 2 3, थ्री लेटर्स है तो 3 minus 1 करो, इसका आंसर आता है 2, उधर भी पोस्ट POST 4 minus 1 करो तो ये आता है, ये कितना आता है 3, तो इसका 30 mm होगा, इसका 20 mm होगा। तो ये ट्रिक
ये जो ट्रिक है कवर की, ये ग्रेड ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट, जैसे मैंने बोला था कि लेटर्स आपको गिनने हैं, कितने लेटर्स हैं, तो प्री में है 3, इधर कवर पूछा है। जब भी ग्रेड पूछेगा, ग्रेड पूछेगा तो ऑपोजिट करो, रिवर्स रिवर्स करो, रिवर्स करो लेटर्स। और जब भी कवर पूछेगा, कवर पूछेगा तो -1 करो, लेटर्स -1, एल -1। ये ट्रिक याद रखो, कभी भी आप ये फैक्चुअल जो चीज़ें हैं ये भूलेंगे नहीं, गारंटी है फ्रेंड्स। तो प्री टेंशन का जो कवर है वो है 20, पोस्ट टेंशन का है 30, इफेक्टिव रेनफोर्समेंट रेशो कितना है वो है 0.4। मैंने जो बोला अभी कि 4% रहता है, 0.4% इसका इफेक्टिव रेनफोर्समेंट रेशो जो है, रेशो है ये 0.4 रहता है अगर पूछा गया तो। एंड ब्रेकेज ऑफ प्री टेंशनिंग टेंडन कितना परसेंट होता है, तो ब्रेकेज जो हम काउंट करते हैं इसका जो डिटेल है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये एमपीएससी में पूछा गया था कि ब्रेकेज कितना परसेंट रहता है प्री स्ट्रेसिंग टेंडन, मतलब जो टेंडन है उसका जो ब्रेकेज है, मतलब जो टूटने वाला है वो परसेंटेज क्या है, 2.5% ब्रेकेज के चांसेस है। तो 2.5% इसका आंसर है, एमपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था। इसलिए मैंने ये सभी पॉइंट्स जो बोले हैं अभी वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो अगली वीडियो में आप ज़रूर देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपसे करवाऊंगा। यह वीडियो में आपको अगर नोट करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है, अगर आपको चीज़ें याद है तो अच्छी है, अगर नहीं याद है तो नोट डाउन करिए और बिना देख के याद करने की कोशिश करिए। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे और आप पढ़ाई करते रहे अच्छे से। थैंक यू फ्रेंड्स।